क्वेश्चन है कि अगर हमारा लव्ड वन हमें कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है, नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। जो सिचुएशन है इसमें ये रिफ्लेक्शन आ रहा है कि देयर इज़ सम इशू, जो आपका जो पार्टनर है, जो आपका जो लव्ड वन है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पर वो कम्युनिकेशन हेल्दी वे में नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म का रूप ले रहा है। तो जो भी इशू है उस पर डिस्कस करने की कोशिश कीजिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि कई बार हमारे अंदर भी सेल्फ डाउट होता है, प्लस हमारे इन्वायरमेंट में कोई होता है जो ऐसा क्रिटिसिज्म करता है जो हमारे सेल्फ डाउट को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हमें अपने सेल्फ डाउट के रीज़न को समझना है, साइकोलॉजिकल रीज़न को समझना है। वो अंडरस्टैंडिंग हमें हमारे सेल्फ डाउट को ओवरकम करने में हेल्प करती है। अगर हमारा पार्टनर, हमारा लव्ड वन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उससे बात करना है, रियल इशू को फाइंड आउट करना है, उस पर वर्क करना है, उसको ओवरकम करना है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। थैंक यू।